ये फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी कर लिए, आप देख सकते हो। अगर ये सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर के अगर ये शेल है, चलो शेल है, शेल के स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई का फॉर्मूला जी एम बाई आर स्क्वायर कर लिया। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे इसी पॉइंट पर ई नहीं चाहिए, मुझे इसी पॉइंट पर वी चाहिए। तो मुझे शेल से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर क्या चाहिए? वी चाहिए। तो मैं क्या करूं बताओ, कैसे निकलेगा वी यहां पे? ये कोई शेल थ्योरम नहीं है। ई को देखते वी कैसे निकलेगा, फॉर्मूला बताओ। ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर, ऐसे निकलेगा। तो डी वी की वैल्यू क्या होगी? माइनस ई डी आर। तुम ई को यहां पुट कर दो और इंटीग्रेट कर दो, तुम्हारे पास वी आ जाएगा। तो किसी भी जगह पर ई पता है और तुम्हें वी निकालना है, तो बस तुम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दो, वहां पर वैल्यू ऑफ वी आ जाएगी। तो नहीं निकल सकता, तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना, जीरो। ठीक, तो वेरिएबल की फॉर्म में ऐसे निकलेगा। तो v का फॉर्मूला नोट कर लें, किसी शेल के स्मॉल r डिस्टेंस दूर v का फॉर्मूला माइनस जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल r। तो e का फॉर्मूला नोट करें, जहां जहां आपने फिगर बनाई थी वहां e का फॉर्मूला नोट करें और फिर v का फॉर्मूला नोट करें। उसी तरीके से अगर सरफेस के ऊपर चलना है, शेल की सरफेस के ऊपर e का फॉर्मूला मैंने करवा दिया था जी कैपिटल M बाय कैपिटल R स्क्वायर, और यहीं पर v का फॉर्मूला माइनस जी कैपिटल M बाय कैपिटल R। ठीक है, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, ये फॉर्मूला नोट करें। तो पहला फॉर्मूला शेल के बाहर ई का, बाहर वी का, सरफेस के ऊपर ई का, सरफेस के ऊपर वी का। ठीक, नेक्स्ट, किसी शेल के अंदर ई की वैल्यू क्या होती है? कहीं पर भी जीरो, ये हमने कर लिया था। अब मुझे क्या क्या करना है? मुझे इसके अंदर वी निकालना है, शेल के अंदर वी निकालना है। कोई कहता है वी क्या निकालना है, ई तो जीरो है तो वी तो पक्का ही जीरो है। गलत, जहां ई जीरो है वहां कोई जरूरी नहीं है कि वी जीरो होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमने ऐसे कई क्वेश्चन किए थे क्योंकि ई एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर की वजह से कैंसलेशन हो सकती है, पर वी वेक्टर नहीं है। तो अगर आपके पास कोई मास है तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो लगेगा लगेगा, पोटेंशियल कभी कैंसिल होते ही नहीं है, एडिशन ही होती है पोटेंशियल की। तो वी तो होगा, तो क्या करेंगे? वी का फॉर्मूला ई क्या होता है? माइनस डी वी बाई डी आर। शेल के अंदर ई तो जीरो होता है। अब एक रास्ता तो यह है कि मैं ई जीरो करके वी जीरो कर दूं, पर यहां पर वी जीरो होता नहीं क्योंकि मास, इसका मास कुछ ना कुछ तो वी लगाएगा। तो मैं क्या मानता हूं, यहां पर अगर ई जीरो है तो इसका मतलब वी शुड बी कांस्टेंट। तो किसी भी शेल के अंदर अगर आप पॉइंट लेते हैं तो वहां पर वी कॉन्स्टेंट होता है, और कितना होता है? जितना सरफेस पे होता है। सरफेस पे क्या होता है? माइनस जी एम बाई बड़ा आर। तो इसके अंदर भी क्या रहेगा? माइनस जी एम बाई बड़ा आर। याद रखना, किसी भी शेल के सरफेस पे अगर पोटेंशियल माइनस 10 वोल्ट है तो, या माइनस 10 वोल्ट की जगह माइनस 10 सॉरी जूल पर केजी है, तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस 10 ही रहेगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो ये फॉर्मूला याद रखना, ई का वी का, सरफेस के ऊपर ई का वी का, और शेल के अंदर ई का और वी का, राइट। इसके बेस पे ग्राफ आता है, मार्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। वो होगा किसी भी शेल के लिए सेंटर से स्टार्ट होके चलते रहो राइट तक, ई वर्सेस छोटे आर का ग्राफ प्लॉट करो। जब आप सेंटर से कैपिटल आर तक आते हो, सेंटर से कैपिटल आर तक, तो ई की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो, क्योंकि ई तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कैपिटल आर तक। उसके बाद जब आप बाहर आते हो, बाहर आते हो, तो जो ई होता है ई, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू छोटा आर का स्क्वायर, क्योंकि अंदर तो जीरो होता है, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू छोटा आर स्क्वायर है, चेक कर रहे हो, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर है। तो यानी कि ग्राफ यहां बनेगा ही नहीं और यहां बनेगा, तो ये ग्राफ आपने मार्क करना है। और क्योंकि ई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ग्राफ ऊपर के क्वाड्रेंट में बनेगा, लेकिन सेम ग्राफ अगर बनाना हो वी के लिए, इस शेल के लिए, वी के लिए, वी तो नेगेटिव होते हैं, तो शेल के अंदर वी कॉन्स्टेंट है जितना सरफेस पे है। तो ये देखो, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक वी क्या है? कॉन्स्टेंट है, लेकिन क्वाड्रेंट ये नहीं बनेगा, नीचे बनेगा, क्योंकि वी इज नेगेटिव क्वांटिटी। तो ग्राफ नीचे बनेगा, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, और कैपिटल आर तक स्ट्रेट बनेगा। उसके बाद क्या होगा? जब बाहर निकलेंगे, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो ये रहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो जब ये ना वेरिएशन पेपर में मार्क करने को आती है, ये ग्राफ्स मार्क करने को आते हैं, तो ये ग्राफ समझ में आ रहे हैं।
और हो सकता है मेंस के अंदर तो मैंने ऐसे दो ग्राफ देखे हैं, वो कंपेयर करता है दो स्फेयर का ई को, तो आप देखना पी वाई क्यू के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें इस ग्राफ के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैपिटल ई यहां से यहां तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जीरो है, ई की वैल्यू जीरो है, वी कांस्टेंट है, क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट आ जाओ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के अंदर भी मास है, सॉलिड स्फीयर के बाहर ई पता है, सॉलिड स्फीयर के सरफेस के ऊपर ई पता है, सॉलिड स्फीयर के अंदर ई पता है, जीरो नहीं होता प्लीज, सॉलिड स्फीयर में कुछ ना कुछ होता है। अब बात करते हैं वी की, सॉलिड स्फीयर का वी का फॉर्मूला शेल वाला ही है, बाहर तो कोई फर्क पड़ता है ही नहीं, सरफेस के ऊपर भी शेल वाला ही कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनसाइड फर्क पड़ता है। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड ये ई का फॉर्मूला है। अब एक लंबी कहानी है, मैं इसका प्रूफ प्लस टू में करवा पाऊंगा, जिसमें मेरी बुकलेट के अंदर गिवन है कि किसी भी स्फीयर के अंदर वी निकालो, अभी प्लस वन के अंदर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इसे इंटीग्रेट करें और प्रॉपर सॉल्व करें तो आपके पास ये फॉर्मूला आता है वी का, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है ये, तो वी इनसाइड जो है स्मॉल आर के साथ ऐसे चेंज होता है, याद ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तो आपको वी की वैल्यू इनसाइड यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं है, स्मॉल आर के साथ वैल्यू चेंज होती है। क्वेश्चन मैंने जो देखा हुआ है पी वाई क्यू में और आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर, ये क्वेश्चन आता है सॉलिड स्फीयर के या अर्थ के सेंटर पे वी क्या होगा, अर्थ के सेंटर पे वी निकालो, तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे वी निकालना है तो स्मॉल आर को क्या पुट करना है, जीरो। तो जब तुम जीरो पुट करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा -3/2 इंटू जी एम बाई आर। तो वो पूछेगा कि ये पोटेंशियल कितना है, जितना सरफेस का पोटेंशियल है माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, उससे कितने टाइम्स है, 3/2 टाइम्स है, तो ये सेंटर का पोटेंशियल है, ये बहुत काम की चीज़ है, क्लियर है। तो अब अगर मैं वेरिएशन ऑफ ई निकालूं, ये देखो अगर सॉलिड स्फीयर के इनसाइड ई निकालना है, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटा आर है, कैपिटल आर तो कॉन्स्टेंट है, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, तो देख रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, स्ट्रेट बनेगा। उसके बाद जो बाहर है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर है, वो तो फिर ग्राफ वैसे का वैसा ही बनेगा। तो ये ग्राफ किसका है, सॉलिड स्फीयर का ई वर्सेस आर का ग्राफ है, राइट। तो शेल का पता लग गया, सॉलिड स्फीयर का पता लग गया, अब वी का ग्राफ प्लॉट करने को आएगा। वी का देखो, मैं ये फंक्शन का वी ग्राफ नहीं बना सकता, इतना भी मैथ्स में हम लोगों को आता है कि इसको देख के ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो अगर इस, हाँ ये मुझे पता है सेंटर पे ये वैल्यू है, तो मेरा ग्राफ स्टार्ट तो यहीं से होगा, मेरा ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा -3/2 जी एम बाई आर से स्टार्ट होगा। उसके बाद ये वेरिएशन होगी, ये वेरिएशन आई है उस फॉर्मूले से, वो जो इनसाइड का फॉर्मूला है उसको अगर प्लॉट किया जाए तो ऐसा बनता है। हाँ मैं इतना बता सकता हूँ, अगर मैं बाहर निकल गया इस सॉलिड स्फीयर के, तो वी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, स्मॉल आर। हाँ ये बता सकता हूँ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, पर ओवरऑल ये वेरिएशन ही आपको याद करनी पड़ेगी। तो वी का ग्राफ सॉलिड स्फीयर का कुछ इस तरीके से बनता है, इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन कम आता है, देखा नहीं है, पर इनके ऊपर तो क्वेश्चन आते हैं ग्राफ्स के ऊपर जो मैंने आपको पहले करवाए। तो पॉइंट्स हमको समझ में आ रहा है कि ग्राफ कैसे बन रहे हैं इसमें, ठीक।